अब इस न्यूज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 26 साल का एक लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया सिर्फ सेक्सटोर्शन रैकेट की वजह से। ऑनलाइन उसके उसके साथ यू नो एक फ्रॉड हुआ, हम लोग उसको फ्रॉड ही कह सकते हैं, उससे सेक्सटोर्शन सेक्स की यानी इंटीमेसी की वजह से कुछ वीडियोस कैप्चर हो गई और उसके बाद उससे फिरौती मांगी गई और फाइनली ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस लड़के ने सुसाइड किया। अब इस वजह से मैं राजी हुआ, इस वजह से मुझे लगा कि आज मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। और वो लड़का बेंगलोर का था और वो लड़का जिसका नाम अविनाश था वो IAS की तैयारी कर रहा था। अचानक से क्या होता है, उसे फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आती है नेहा नाम की लड़की की, ठीक है आप नाम पे मत जाइएगा, बट धीरे धीरे रिक्वेस्ट आती है, बातें होने लगती है। उसे नहीं पता था कि जो लड़की की रिक्वेस्ट आ रही है उसके पीछे एक रैकेट काम कर रहा है। धीरे धीरे बातें होने लगती है, बातें और बढ़ने लगती है, धीरे धीरे और क्लोज आने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो लड़की बेंगलोर की नहीं थी, समझ रहे हो, वो कभी मिले नहीं एक दूसरे से, कभी नहीं मिले, वो बेंगलोर की थी ही नहीं, कभी मिले नहीं, सिर्फ मोबाइल पे ही बातें हो रही है। धीरे धीरे पर्सनल नंबर शेयर हो गए, वीडियो कॉल शुरू किए, वहां से इंटीमेट चीजें शुरू हो गई। और एक वक्त ऐसा आया जब उस लड़की ने इंटीमेट वीडियो शेयर किए, उस लड़के को बोला कि तुम भी इंटीमेट वीडियो शेयर करो, तो गलती वही हो गई, उस लड़के ने बिलीव कर लिया और उस लड़के ने इंटीमेट वीडियो लाइव वीडियो जो भी था ऐसे वीडियो कॉल्स किए जिसकी वजह से वो फंस गया, वो वीडियो रिकॉर्ड हो गए। कुछ दिनों बाद वो लड़की गायब और लड़की के पीछे जो रैकेट काम कर रहा था उसने अब उस लड़के को परेशान करना शुरू किया। उसने वो वीडियो फॉरवर्ड किया और कहा कि आपने अगर इतने पैसे हमें नहीं दिए तो हम ये वीडियोस आपकी फैमिली को भेज देंगे या सोशल मीडिया पे डाल देंगे, डर के मारे, क्योंकि हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, ठीक है। इट्स नॉट लाइक खाना खाया है, इट्स अबाउट इंटीमेसी शेयर की है जो कि इंडिया में एक टैबू है, इसके बारे में लोग बात नहीं करते जनरली, ठीक है। सो जब ऐसा कुछ हुआ तो उसे ऐसा लगा कि यार अगर ये चीज पब्लिकली चली गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा, घर पे मुझे लोग कैसे देखेंगे, मैं IAS की तैयारी करने आया हूं, ठीक है। एक ऐसा केस हुआ, उसने शुरू में पैसे दिए, उस पैसे, अब देखो जब भी आप पैसा देते हो ना तो उनकी भूख और बढ़ जाती है, तो जब उसने पैसे दिए शुरू में तो उन्होंने बोला कि उनका पेट भरा नहीं, उन्होंने कहा हमें और चाहिए, ऐसे करके वो पैसे मांगते गए, वक्त ऐसा आया कि उससे संभला ही नहीं, अब उसके पास पैसे इतने कहां से उठे। फाइनली उस लड़के ने ये सोचा कि शायद मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं तभी ये जो झंझट है वो खत्म, और वो लड़का दुनिया को छोड़ के चला गया। शायद अगर ये सब नहीं होता तो आज वो IAS की प्रिपरेशन करके कहीं अच्छा IAS बन चुका और हमें एक अच्छा IAS देखने को मिलता, उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, बात यहां से शुरू हुई, इतनी बुरी, मतलब मैं कहता हूं कि शायद कभी कभार ऐसा लगता है कि इंसानियत पूरी तरह से खत्म ही हो चुकी है। एक फैमिली जिसने अपना 26 साल का नौजवान लड़का खो दिया, वो लड़की फिर से उसकी बहन को कांटेक्ट करती है, पता कर लेती है कि उसकी बहन का, उसकी बहन को कांटेक्ट करती है और उसको बोलती है कि मैं अविनाश को देखे मुझे बहुत दिन हो गए, मैं अविनाश की, मतलब बताया कि अविनाश की गर्लफ्रेंड, मुझे उसे देखे बहुत, ऐसा करती है। और जब वो ऐसा बात बोलती है तो वो उसकी सिस्टर कहती है कि अब ही इज नो मोर, वो अब जिंदा नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, वही रैकेट वापस से अविनाश की बहन को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि ऐसा ऐसा उसकी वीडियोस हमारे पास है, हमें पैसे चाहिए तो वीडियो को वापस कर दे। अब उसकी बहन को समझदार थी, उसने पुलिस को केस, पुलिस को ये केस रेफर किया कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है मेरे भाई के साथ, मुझे लगता है कि उस एक्सटॉर्शन की वजह से उसकी जान गई है। फाइनली पुलिस ने पूछताछ की, समझ में आया कि लड़की अच्छी बहन को दिखी ही नहीं, वो एक रैकेट चलता था कहीं राजस्थान में दूर और वहाँ पे कुछ लोग थे जो उसको बराबर से ब्लैकमेल कर रहे थे और उससे परेशान होकर उसने अपनी जान दी। ये पूरा केस था